चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग रूट मीन स्क्वायर स्पीड यू आर एम एस एंड एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट इक्विलिब्रियम। चलिए इसमें चार ऑप्शन है अपने पास। ई एवरेज इज डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फोर टाइम्स, यू आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, ई एवरेज एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, यू आर एम एस इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई फोर टाइम्स। अब आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि इनमें से कौन कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आता हूँ सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में ये होता है कि यू आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला डेरिवेशन से आता है 3RT ओवर m, r गैस कॉन्स्टेंट, t टेम्परेचर और m मोलर मास, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन होती है 3/2 nRT। अब दोनों ही जो चीजें होती है दीज आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मैं यहां पर बोलूं कि अगर टेम्परेचर में फोर टाइम्स कर देता हूं तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो बिकम्स फोर टाइम्स, क्योंकि सीधा रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां अगर मैं टेम्परेचर को फोर टाइम्स कर देता हूं तो चूंकि यू आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, तो यदि ये फोर टाइम्स होगा तो इसका मतलब यू आर एम एस जो है यहां पर डबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक पर्टिकुलर गैस रहेगी तो उस गैस के लिए मोलर मास पे डिपेंड नहीं करता, अगर मैं गैस चेंज करूंगा तो मोलर मास पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब गैस अगर मैंने फिक्स कर दी तो m फिक्स हो गया तब यू आर एम एस इस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो जैसे ये ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो ई एवरेज इज डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फोर टाइम्स, ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। यू आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यू आर एम एस आप यहां से देख सकते हो कि इट इज यू आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो ये ऑप्शन सही होगा। ई एवरेज एट ए गिवन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो एक गैस अगर मैंने फिक्स कर दी तो ये ऑप्शन भी यहां करेक्ट होगा। यू आर एम एस इज डबल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज फोर टाइम्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको फोर टाइम्स कर रहा हूं तो इट बिकम्स डबल, ये फार्मूले से हमें पता लग जाता है। ठीक, तो ये फार्मूले में दो ध्यान रखने हैं।